कभी आपने सुना है मूवी ने रिलीज से पहले ही अपने बजट से दो गुना पैसा कमा लिया हो जी हाँ पुष्पा टू द रूल ने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने लग गई है अभी से अल्लू अर्जुन की हाईली एंटिसिपेटेड सीक्वल पुष्पा टू रिलीज होने के बहुत नजदीक है पहले इसे 15 अगस्त 2024 को रिलीज करने का प्लान था लेकिन तब तक इसकी शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई थी तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया और उसकी अगली डेट आई 6 दिसंबर 2024 और अब फाइनली एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 2024 को यह पक्का हो गया है कि पुष्पा टू रिलीज हो जाएगी वैसे तो 6 दिसंबर को विकी कौशल की छावा भी आ रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि छावा पुष्पा टू के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन है पहले पार्ट ने वैसे ही आग लगा रखी थी थिएटर में पुष्पा वन के डायलॉग आज भी बच्चे बच्चे के जुबान पर हैं और अब तीन साल बाद जा कर के पुष्पा टू रिलीज होने वाली है तो भाई लोग तो टूट पड़ेंगे थिएटर में और कुछ लोग कहेंगे तो फिर डर क्यों गई छावा से छ की जगह पांच को अपनी रिलीज डेट क्यों कर ली तो भाई पुष्पा का छावा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है पुष्पा भाई अलग ही लीग में है यहाँ बात है रिकॉर्ड तोड़ने की के जी एफ टू और आर 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 जैसी मूवीज की रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी चल रही है इसीलिए मेकर्स ने ये स्मार्ट मूव लिया और जितना पुष्पा वन का कलेक्शन था उससे ज्यादा तो पुष्पा द रूल का केवल बजट है पूरे 500 करोड़ रुपए लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मूवी ने रिलीज से पहले ही थिएटिकल और नॉन थिएटिकल राइट्स बेच करके हजार करोड़ रुपए कमा लिए हैं जिसमें नेटफ्लिक्स ने अब तक की अपनी सबसे महंगी डील साइन की है पुष्पा टू के साथ पूरे दो करोड़ में कल की टू एट नाइन एट आर 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 और आदि पुरुष के बाद पुष्पा द रूल चौथी सबसे बड़ी महंगे बजट में बनने वाली मूवी बन चुकी है और एक कमाल की बात बताऊं ये चारों फिल्में जो मैंने आपको बताई ये चारों की चारों तेलुगु इंडस्ट्री से हैं यानी कि सबसे बड़े बजट में बनने वाली इस फिल्म में इनमें अधिकतम या तो तमिल इंडस्ट्री से हैं या फिर तेलुगु इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर को भी आजकल साउथ इंडस्ट्री पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है बॉलीवुड से और हो भी क्यों ना बॉलीवुड के हाल तो आपको पता ही हैं कहीं पे नेपोटिज्म 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 चल रहा है और कहीं पे ओल्ड कंटेंट को कहीं और से उठा करके बस चिपका दिया जा रहा है और आज की जो जनता है ना वो बहुत स्मार्ट है वो कंटेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है और साथ ही पुष्पा टू पहली पैन इंडिया मूवी बनने वाली है जिसे बंगाली लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा और हमारी स्त्री शा कपूर का भी एक आइटम सॉन्ग अल्लू अर्जुन के साथ होने के लीक्स है जैसे पिछले बार समानता का ओ वाला सॉन्ग था वैसे ही पहले मेकर्स ने तृप्ति डिमरे का नाम भी इसके लिए सोचा था लेकिन आखिर में श्रद्धा कपूर ही फाइनल हुई क्योंकि उसे अगर कल बुलाओ तो वो स्त्री है वो कल जरूर आएगी मूवी का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है कभी 75 डेज बाकी तो कभी 50 दिन और और कुछ दिन पहले तो मेकर्स ने फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म एडिट लॉकडाउन लोडेड विथ फायर भी बोल दिया है अब आप बस तैयार हो जाओ बहुत ही जल्द इसका ट्रेलर आने वाला है और असली गेम तो तब शुरू होगा बाय